मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है डे 60 आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी और देखते ही देखते लगभग 60 डेज पूरे हो चुके हैं, 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और बालों की कंडीशन जो है, स्कैल्प की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, इमेजेस भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। साथ में ये अपडेट देना चाहता हूँ कि जो स्कैल्प है उससे अब शेडिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बिकॉज 6 to 9 वीक का जो पीरियड होता है वो लगभग सब लोगों के लिए शेडिंग का होता है। सब लोगों के लिए अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन जनरली 6 to 9 वीक का शेडिंग फेज रहता है। तो शेडिंग फेज जो है लगभग कंप्लीट हो गई है। अभी हेयर वॉश करते समय, शैम्पूइंग करते समय, ऑयलिंग करते समय या फिर मिनोक्सिडिल एप्लीकेशन के समय अब कुछ मेरे को हेयर नहीं दिखाई दे रहे हैं और इससे मुझे ऐसा फील हुआ कि माइट बी श्रेडिंग फेज इज़ कम्प्लीटेड नाउ। तो अभी जो भी बाल हैं, जो हेयर हैं, उनकी लेंथ पहले से बढ़ती जा रही है और उसके कारण से जो कवरेज है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अपकमिंग डेज के अंदर और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये कवर करता है स्कैल्प को और कितना सक्सेसफुल रहता है ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। और लगातार इसी तरह से आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से या हेयर लॉस से रिलेटेड, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।